हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 5 अक्टूबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग शुरू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कल आईएएस प्री का पेपर हुआ था, आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और जिसने जिसने पेपर देखा है आपके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पेपर को लेके। मैं पर्सनली मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर माइंड में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या इसमें पेपर में हम कर सकते थे या किस तरह का ये पेपर था और किस तरह की रिक्वायरमेंट है पेपर की। उससे पहले बात करेंगे न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स की। अगेन रिपीटेड स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी वैक्सीन बन रही है 2021 तक हम लगभग 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, यानी 1 in 5। अगर भारत की पॉपुलेशन मान लेते 125 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, 125 नहीं होगी, 130 से 1 से ऊपर ही होगी, लेकिन उन्होंने कहा 1 in 5 इंडियंस में जो है वो वैक्सीनेट किया जा सकता है जुलाई 2021 से पहले। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने लिखा है कि प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियर, कि किन लोगों को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो हमें बनाकर दीजिए। तो कई सारी चीज़ों को इन्होंने एनालिसिस किया गया है। सबसे पहले एक तो वैक्सीन की जो तैयार करने की डोजेज है वो कंटिन्यू काम होगी और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रायोरिटी लिस्ट बताई गई, प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप जिसको बोला गया है, जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होंगे जैसे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर्स, सर्विलेंस ऑफिसर एंड अदर इन्वॉल्व, जो भी उसको ट्रेसिंग में, टेस्टिंग में, ट्रीटिंग ऑफ पेशेंट इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन सबको वैक्सीन जो है सबसे पहले दी जाएगी। इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैपेसिटी को ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है और उसको ट्रेनिंग सुपरविजन को लेकर काफ़ी प्लान कर रही है। एक मैसिव स्केल पर जो है वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन से 500 मिलियन डोजेज जो इसके लिए प्रिपेयर की जाएगी। लगभग 20 से 25 करोड़ पीपल जो है जुलाई 2021 तक वैक्सीनेट कर दिए जाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। रिसेंटली ICMR ने अपना पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसमें वैक्सीन के बारे में डिटेल से बताया गया था। तो 3 वैक्सीन जो इंडिया के अंदर इस टाइम ट्रायल्ड में है और इनमें से एक वैक्सीन जो कोविशील्ड है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो फार्मा मेजर AstraZeneca इसके द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंटली इसमें रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ने कहा कि वो कमिटेड है कि वो 200 मिलियन डोजेज जो प्रिपेयर करेगी और इसको न केवल भारत के लिए बल्कि लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज को भी वो जो है सक्सेसफुली और उसको ट्रांसफ़र करेगी वैक्सीन को। उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। कॉस्ट के बारे में इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही चीज़ बोली कि अप्रोक्सीमेटली 250 रुपये के आसपास जो है वैक्सीन रह सकती है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर ने जो कहा कि वायरस की जो पास्ट पीक है, अगर आप सितंबर के हाफ के बाद देखेंगे, 15 सितंबर के बाद कंटिन्यू आज 5 अक्टूबर हो गई है, 5 अक्टूबर तो COVID-19 केसेस जो है वो एक स्टेबिलिटी या एक तरीके से फ्लैट हमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या कि केसेस जो है वो और रिकवरी नंबर जो वो भी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। अगर COVID-19 से रिकवरी तेज़ होगी या उससे एक तरीके से इसमें फ्लैट हो जाएगा एक हो, तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं। पहली चीज़ें यह एक इंडिकेशन है कि आप पीक जो वायरस की होती है वो कहीं ना कहीं एंड हो सकती है और इसका इकोनॉमिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी हो या दुनिया की इकोनॉमी बहुत नेगेटिव असर पड़ा है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर ग्रीन सूट जो वर्ड यूज़ किया गया है, ग्रीन सूट का मतलब क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जा रही है, हम लोग रिवाइव करेंगे। कैसे रिवाइवल की तरफ जा रही है, तो उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए। रिसेंटली हमने देखा GST कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था। इनके अलावा जो हेल्थी मॉनसून रहा या जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उन सब के बेसिस पर उन्होंने बताया, रिसेंटली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिलीज किया गया था, उन सब के बेसिस पर बताया गया कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है रिवाइवल पाथ की तरफ जाएगी। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में ये एक स्पेशल आर्टिकल्स दिया गया, उनमें हम डिस्कस करेंगे जो भी बाकी पेंडिंग चीज़ें इसमें होंगी। इसके बाद पेज नंबर 9 पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली आपने सुना होगा हाथरस के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, एक रेप की घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में जो प्रदर्शन हुआ, रोष प्रदर्शन हुआ, जो उनको एक इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए।
लेकिन उस सब के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में है, वो नार्को टेस्ट। ठीक है, तो नार्को टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है उसके बारे में बताया गया है। नार्को टेस्ट को अगर आप हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में इसको बोला जा सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश ने डिसीजन लिया था कि जो विक्टिम है और जो जिनके खिलाफ एलिगेशंस है उन दोनों का, मतलब दोनों का जो फैमिली का भी और जिनके ऊपर एलिगेशन लगा उनका टेस्टिंग होगी, नार्को टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की इसमें स्टेटमेंट क्या है, ये जजमेंट क्या उसके बारे में बताया गया। 2010 की एक जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो टेस्ट है ये एक तरीके से इन्वॉल्व करना इसमें नार्को टेस्ट के अंदर, ये ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी के खिलाफ है इस तरह की चीज़ें। तो अब कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर एक तरीके से ये एक चैलेंज होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी थी 2010 के अंदर कि इस तरह के टेस्ट, नार्को हो चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं इंट्रूजन या एक तरीके से कह सकते हैं मेंटल प्रिवेसी जो है उसको वायलेशन हमें देखने को मिलेगा। रिसेंटली आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में जो है उसको डिफाइन किया था। इसके बाद इस तरह के टेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं मेंटल प्रिवेसी का कहीं ना कहीं वायलेशन होगा। इन सब के अलावा एक कंसर्न ये भी है कि जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है वो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में या लीगल एडवाइस के बारे में शायद उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो एक कंसर्न हो सकता है ये चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं इसमें एक कंसर्न है, एक इशू हो सकता है फ्यूचर अब्यूज़ हरेसमेंट सर्विलेंस के अलावा, इवन जो वीडियो हो सकता है जो मटेरियल वो लीक हो सकता है, ये कंसर्न है। इनके अलावा ये जो टेस्ट होते हैं ये ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी इनके खिलाफ जो है वो एक नुकसान कर सकती है उनको, इनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसके हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा कई सारी जजमेंट आई है जिसमें श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि इस तरह का जो चीज़ें हैं कस्टोडियल एनवायरनमेंट है ये सफिशिएंट है, और इसके बाद अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो है वो उसका भी वॉयलेशन हमें देखने को मिलेगा। ये जजमेंट दी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन ने उस टाइम पर। तो एक ये लीगल प्रोविजंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स की क्या जजमेंट है, उन सब के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 10 पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, GST काउंसिल को लेकर एक डिस्कशन किया गया है। देखिए GST काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो UPSC कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है और चांसेज हैं पहले भी पूछे हैं। तो GST काउंसिल होती क्या है बेसिकली, देखिए जब GST टैक्स बनाता है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्सेज है आप सभी जानते होंगे और उसके अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, अल्कोहल है या डीजल है, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें, या ATF है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उसके बाद एक काउंसिल बनी, इसके अंदर ही इसके बारे में डिस्कशन है, GST काउंसिल को चेयर करती हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, इसके अलावा जितने स्टेट के रिस्पेक्टिव फिनेंस मिनिस्टर या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर पार्ट होते हैं। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है, यानी इसके अंदर जितने भी टोटल प्रेजेंटेशन होगा उसमें 75% वोटिंग से जो है डिसीजन लिया जाता है। इन सब के अलावा 1/3 जो रेशियो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और दूसरा जो है 2/3 वेटेज होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस बार क्रूशियल क्यों है, वही अगेन एक कंसर्न है, GST कंपनसेशन को लेकर मीटिंग होने जा रही है अगेन फिर से। रिसेंटली हमने देखा कि पिछली बार जो GST की मीटिंग हुई थी उसमें एक्ट ऑफ गॉड करके एक वर्ड यूज़ किया था कि ये जो कंपनसेशन कम हुआ है ये एक्ट ऑफ गॉड की तरह है, और इस एक्ट के अंदर जब GST एक्ट लागू हुआ था उसके अंदर एक प्रोविजन था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को GST की वजह से लॉस होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, तो उसी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल ये चाहेंगी कि उनको फाइनेंस मिले, पैसा मिले, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, ड्राई हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं, खुद के जो उनके इनकम के रिसोर्सेज है बहुत ही कम है, तो उनके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करे उनको, इस बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकते हैं इस बार की GST काउंसिल मीटिंग के अंदर। इसके बाद फॉरेन सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला जो है एक ये लेडी है, काफ़ी न्यूज़ में इस टाइम बनी हुई है, ये फवीजिया कुफी करके, ये क्यों न्यूज़ में है,
देखिए, ये फ्रंट रनर लिस्ट के अंदर इंक्लूड की जा सकती है नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब ये क्यों इतनी हाईलाइटेड है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। देखिए, रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था दोहा के अंदर, कतर की जो कैपिटल है दोहा, उसके अंदर अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट, उन सब के बीच में एक पीस प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उस पीस प्रोसीजर के बाद एक पीस टॉक जिसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर वायलेंस ना हो और स्टेबिलिटी से वो दोनों, चाहे तालिबान हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान हो, काम कर सके। और इस सब के बीच में एक वुमेन काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही है इसको, वो है फवाजिया कोफी करके। ये डिप्टी स्पीकर है पार्लियामेंट के अंदर और एक मेम्बर है नेगोशिएटिंग करने में, जो तालिबान से बातचीत करने के मामले में। तो ये इनके ऊपर हालांकि कई बार इनकी मतलब हत्या करने का प्रयास हुआ, अजाइनेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया। 9 अक्टूबर को जब ये अनाउंस किया जाएगा पीस प्राइज, उनमें ये फ्रंट रनर अप के रूप में हो सकती है और हो सकता है कि इनको पीस प्राइज, ये नोबेल पीस प्राइज जो वो मिले। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ये लेडी है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद चाइना और बांग्लादेश के इन्वेस्टमेंट को लेकर और इंडिया के कंसर्न क्या, उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। रिसेंटली चाइनीज़ प्रीमियर है, चाइना के प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने बात करी बांग्लादेश के काउंटर पार्ट यानी बांग्लादेश के वहाँ के प्रेसिडेंट जो भी हैं उनसे, हालांकि बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर प्रमुख है, लेकिन प्रेसिडेंट से बात करी और 45th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करी गई है। इनके अलावा चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, इसके मामले में श्रीलंका को कहीं ना कहीं वो उसके साथ एंगेजमेंट या एक तरीके से मल्टी बिलियन डॉलर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसके अंदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में नई तरीके से कैसे काम करना, उन सब के बारे में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हामिद से उन्होंने बातचीत की बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर। तो BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना बांग्लादेश के स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में एक नया रोल प्ले करेगा, इस तरह की बात कहना है कही है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है सी जिनपिंग जो भी हैं। विद अवर 26 मिलियन चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड $30 बिलियन फंडिंग कमिटमेंट, बांग्लादेश जो ऐसी कंट्री है जो बड़ी संख्या में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा वहाँ से ले रही है। इसके अलावा 97% जीरो टैरिफ के बेसिस पर चाइना ने उनको ऑफर किया है और कई सारे प्रोडक्ट को, हमने रिसेंटली पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट को उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इनके अलावा जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया गया था तो इसका पर्पज है क्या है, रेल, मैरिटाइम और रोड, इन सब को बनाना है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर देना ताकि एंशेंट सिल्क रोड ट्रेडिंग रूट जो है उनके साथ काम करेगा। भारत का कंसर्न क्या है, भारत देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको नाम दिया गया है, ये इंडियन स्टेट जो पाकिस्तान इस टाइम ऑक्यूपाइड कर रखा है, बाल्टिस्तान वाला POK वाला रीजन, वहाँ से ये क्रॉस करेगा। सेकेंड कंसर्न इंडिया के लिए क्या है कि भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो और पाकिस्तान तो है ही उनका फ्रेंड, वहाँ पर कंटिन्यू चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना वाले, उनको डेट कंट्री या एक तरीके से कर्जदार कंट्री जो वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये एलिगेशन नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ने बोला और रिसेंटली चाइना श्रीलंका ने अपने एक पोर्ट जो है हम्बन टोटा करके एक पोर्ट है वो चाइना को 99 ईयर के लीज पर दे दी क्योंकि वो अपना उनका कर्ज नहीं दे पाए $1.2 बिलियन। और रिसेंटली हमने देखा एक एशियन कंट्री, आसियान की कंट्री है मलेशिया, उन्होंने भी डेफर कर लिया सेवरल प्रोजेक्ट से कि ये जो कॉस्ट है इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक बड़े लेवल पर इस तरह की अगर चीज़ें होगी, और भारत के तो बिल्कुल पड़ोस में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर चाइना बहुत ज़्यादा करेगा तो कंसर्न बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बाद और उनकी एंगेजमेंट कंटिन्यू बढ़ रही है। रिसेंटली जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा पीक पर था तो उन्होंने अपनी मेडिकल टीम भी भेजी थी कि बांग्लादेश में जो कुछ रिजोल्यूशन सॉल्यूशन निकाले, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो इंडिया के लिए एक क्रिटिकल और कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भारत की नज़र होनी भी चाहिए क्योंकि भारत के आसपास क्या हलचल हो रही है उनको भी हमें ऑब्जर्व करना है। अब हम समझेंगे एडिटोरियल के कुछ पार्ट्स।
सबसे पहले बात की गई अनटिल वैक्सीन की, वैक्सीन के आने तक क्या प्रोसीजर हो सकता है, हम क्या फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली अनलॉक 5 करके कुछ अनाउंसमेंट किया गया और बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने के बारे में, या तो ओपन कर दिया गया है या स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया गया है कि आप इसको इन एक्टिविटीज़ को जो ओपन कर सकते हैं। इसके इसमें चाहे एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंसिस हो, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपन करने के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर नेशनली हम देखें तो इस टाइम हमारे COVID-19 केसेस लगभग 75,000 से 80,000 के आसपास आ रहे हैं, हालांकि यहाँ 60,000 लिखा है, लेकिन जनरली जो मैं पर्सनली देखता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 75-80 के आसपास हैं, इनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 60,000 आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ साफ है और ये स्टडी भी शो करती, चाहे जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्सेज सेंटर की हो, कि COVID-19 में कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी केसेज में। ये तब जब जो टेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन उसमें भी एक कंसर्न है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, टेस्टिंग कितने रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, कितने जो RT-PCR से हो रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है, क्योंकि रैपिड जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी या उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मार्च अप्रैल के अंदर जो लॉकडाउन किया गया था, जो कि बिल्कुल बंद पूरी चीज़ें जो वो कहीं ना कहीं क्लोज कर दी गई थी, इन सब के बाद क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज करनी थी तो अनलॉक का प्रोसीजर किया गया। 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एजुकेशन जो है खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस पर डिसीजन उनको ही लेना है कि उनको खोलना है नहीं खोलना है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर इन्फेक्शन के जो केसेज बढ़े हैं वो खासकर बच्चों के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो एक कंसर्न है। इन सब के अलावा केरला में हो, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने के बारे में, लोगों के सेफ बिहेवियर के बारे में और इसका क्या सोशल कॉस्ट पड़ सकता है उसके बारे में कई सारे कंसर्न है। इनके अलावा और भी कंसर्न है, फॉर एग्ज़ाम्पल मास्क नहीं पहनना, बस चाहे बसेज हो, ट्रेन्स के अंदर भी, पब्लिक प्लेसेज में स्पिट करना, थूकना, कमर्शियल लोकेशन, क्राउड कमर्शियल लोकेशन, और अभी क्योंकि पूरा का पूरा ये सीजन जो होगा फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर किस प्रकार से जो है इन्फेक्शंस को रोक पाएंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल सिनेमा और मल्टीप्लेक्स हम ओपन कर रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ, लेकिन ऐसे लोग क्या जिनके पास जिनके सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, इनके अलावा क्योंकि देखो आप सिनेमा खोलोगे तो वहाँ पर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने और पीने कुछ चीज़ें तो खोलेंगे, उसके लिए तो मास्क हटाना पड़ेगा, ठीक है, उन सब चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ मेजर कंसर्न है कि इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और खासकर ऐसे लोगों को काफ़ी डैमेज कर सकता है जो सीनियर सिटीजन हो या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज पहले से ही कोई डिजीज हो, उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सेकंड आर्टिकल जो है मिक्स्ड सिग्नल के बारे में, रिसेंटली जो GST के डेटा दिया गया है ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल करता है, कहीं ना कहीं होप देता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल मोमेंटम उसने अचीव किया है। GST के डेटा को अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था कि इस पेंडेमिक हिट इकोनॉमी के अंदर एक न्यूज आई, खासकर पॉलिसी मेकर्स को लेकर, और ये पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं कि पहली बार पिछले 6 महीनों में GST टैक्स कलेक्शन है जो 95,480 के आसपास इसमें हुआ। हालांकि ये नहीं कह सकते कि एक्सीलेंट है, लेकिन पिछले 6 महीनों में कह सकते हैं कि पिछले 6 महीनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तभी जो हमारी ज़रूरतें वो पूरी हो सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर इकोनॉमी को रिवाइवल करने की बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, उन सब चीज़ों को बताया गया कि लॉकडाउन को रिस्ट्रिक्शन किया गया और इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे उसने मोमेंटम जो है वो लेना शुरू किया, बिजनेसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और हो सकता है कि अब जब अक्टूबर नवंबर जो ये फेस्टिव सीजन होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, यहाँ पर इकोनॉमी या बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्रीज मिलेगा और हमारी इकोनॉमी रिवाइवल में कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। रिसेंटली जो PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया था और उसने ये इंडिकेट किया था कि ऑटोमोबाइल होलसेलर है उनके अंदर भी धीरे धीरे पिक कर रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, चाहे इसके अलावा प्रोडक्शन सेक्टर हो, क्योंकि प्रोडक्शन भी तभी होगा जब डिमांड्स होगी, वो चीज़ें हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इंडिकेट किया है कि भारत जो फार्मा और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है
उसमें भी धीरे धीरे एक मोमेंटम देखने को मिलता है। और रिसेंटली एक और इंडिकेशन आया था कि जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं आइटम, फॉर एग्जांपल ऑयल है और नॉन ऑयल प्रोडक्ट लाइक गोल्ड है, उनके अंदर हमने इंपोर्ट कम किया, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, या करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट को मैं फिर से बता दूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं, मान लो हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना से हम जो ट्रेड करेंगे वो एक करेंसी में, कॉमन करेंसी में कर सकते हैं, जिसमें US डॉलर प्रमुखता से हो सकती है। तो मेजर जो ट्रेड गवर्नमेंट करती है वो एक इंटरनेशनल जो प्रेफरेंस दी जाती है करेंसी को, जैसे US डॉलर है, इनमें ज़्यादा करते हैं हम ट्रेड, तो वहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और अगर हमें हमारे फॉरेन ट्रेड जो है वो खासकर इंपोर्ट कम होगा तो पैसा कम देना पड़ेगा, और पैसा कम देना पड़ेगा तो हमारे डॉलर जो है सेव रहेंगे, और डॉलर सेव रहेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व सेव रहेगा, और फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका जो कई बार हमसे बोलता है कि करेंसी स्वैप कर लीजिए, करेंसी स्वैप का मतलब क्या है कि हमारी करेंसी में ही जो है आप हमें पैसा ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अपने डॉलर नहीं देना चाहता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई वो खासकर कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए जो यूज़ किया जाता है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा खासा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खासकर इंपोर्ट कवर को करने के लिए। अगर भारतीय इकोनॉमी में कुछ इश्यूज हो जाता है तो अब हम एक साल दो साल तक उसके थ्रू काम चला सकते हैं, ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा फिनेंस मिनिस्टर की अलग अलग स्टेटमेंट आती रहती हैं कि हमारी ग्रोथ जो वो कंटिन्यू इंक्रीज करेगी, और प्रोजेक्शंस क्या है कि GST एटलीस्ट 3 लाख के आसपास होना चाहिए, तभी जो हम एक्यूरेटली काम कर पाएंगे। और रिसेंटली सेंट्रल स्टेट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट का जो इशू हुआ वो उसी वजह से है, टैक्स कलेक्शन को लेकर, GST को लेकर। और GST में क्योंकि भाई देखो पैसा सबको चाहिए, पैसा प्रॉपरली उनको ट्रांसफ़र करने को लेकर हो। इन सब के अलावा फिनेंस कमीशन जो है काफ़ी न्यूज़ में है कि उसने प्रोविजंस किया था कि 42% तो आपको एटलीस्ट पैसा देना पड़ेगा। इन सब के अलावा हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, सेस पढ़ा, सरचार्ज पढ़ा जो कि न्यूज़ में रही, कैग की रिपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में, तो आप इन सब को जो इंटरलिंक कर सकते हैं, वो मिक्स एक चीज़ें हो सकती है। इसके बाद ये जो एडिटोरियल है ये पॉलिटिकल ओनरशिप या लॉस्ट इन द बॉर्डर क्राइसिस जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को लेकर ही है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड एडिटोरियल जो है ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड द इंसॉल्वेंसी सिस्टम, इसके बारे में एडिटोरियल है। देखिए इंसॉल्वेंसी सिस्टम के बारे में यानी दिवालियापन और उससे रिलेटेड उसका रेजोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उनके बारे में ये रिसेंटली चीज़ें जो न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को अभी मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर जो है वो उसको पास किया गया था एक रिलेटेड बिल, और जब 2016 के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल पास किया गया था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये भारत का एक बड़ा लेजिस्लेटिव जो है रिफॉर्म हो सकता है, किसके बाद और एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। GST के बाद शायद ये बड़े रिफॉर्म्स के अंदर, की रिफॉर्म्स के अंदर आ सकता है। रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड, कि न केवल हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को जो लॉन्च करना है बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए बनाना भी, जिससे हम न केवल सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बने बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, पैसा आए और हमारी कंट्री में ग्रोथ देखने को मिले। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनटू इंडिया इन 2019-20 के अंदर नियरली 74.5 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये 20% का जंप हमें देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि IBC के अंदर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अगर सिंप्लीफिकेशन होगा तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे इस रेजोल्यूशन के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि इस तरह के रिप्लेसमेंट जो होंगे वो बैंकरप्सी को लॉ रिजिम को जो है इनएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होगा, पहले क्या था लिक्विडेशन पर बात हो रही थी लेकिन अब टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होगा। इन सब के अलावा एम्पावरिंग टूल की तरह ये बेसिकली काम करेगा, एक मेथड जो है वो यूज़ करेगा रेजोल्यूशन से रिलेटेड। इन सब की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंप्लीफिकेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितने भी होते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, इंडिया वाइल प्रमोटिंग इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस, दोनों का जो कॉन्फिडेंस जो है उसमें इंक्रीज होता है अगर सिंप्लीफिकेशन होता है तो। इन सब के अलावा एक कंसर्न ये है कि भारत में इस टाइम आप जानते होंगे दुनिया भर में शायद सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग भारत में ही हो, और अभी भी बहुत सारे पेंडिंग जजमेंट हैं, और COVID-19 ने इन केसेस का जो नंबर वो इंक्रीज ही किया, कम नहीं किया है। इनके अलावा
कई सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लेने के बारे में सोचा जा रहा है, जैसे नीति आयोग का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे ऐसे छोटे जो ऑफेंसेज हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर छोटी छोटी चीज़ पे जो कोर्ट में ना जाया जाए, कोर्ट पहले से ही एक तरीके से स्ट्रेस फेस कर रही है केसेस के मामले में। इनके अलावा इस तरह के जो मूव्स हैं वो हेल्प करते हैं किसके बारे में, एक रेजोल्यूशन निकालने के बारे में। कई सारी कोर्ट्स पर इनके लिए बनाई जा रही है, जैसे कमर्शियल कोर्ट है, कमर्शियल डिवीजन है, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन एक्ट 2005 के अंडर, और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हम लोग इम्प्रूव करें। इनके अलावा इसका एक बेसिक पर्पज ये कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के थ्रू IBBI में हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। और इसका एक चीज़ें चेंज होते हुए हमने देखा भी कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो एक इंडिकेटर यूज किया जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स के अंदर, भारत की जो रैंकिंग थी वो 52 थी 2019 के अंदर, और ये 2018 के मुकाबले जब 108 थी या 108 थी तो उसके मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का सिंप्लीफिकेशन होना इन्वेस्टमेंट को जो है प्रमोट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इनके अलावा ये स्मॉल माइक्रो और मीडियम यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को भी काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उसमें भी एक मदद करता है। देखो कई सारी चीज़ें हैं, MSME काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये यूज होता है। इसके बाद एक और एडिटोरियल है, एक कमीशन मिसगाइडेड एक वर्ड यूज़ किया गया। देखिए ये वाला जो पेज होता है आप यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे OPED वर्ड यूज़ किया गया है। OPED का मतलब यहाँ पर है बेसिकली कि जहाँ यहाँ पर राइटर्स जो ऑथर है जो लिख रहे हैं उनके पर्सनल ओपिनियन है ये, और ये इसका किसी भी न्यूज़ से या न्यूज़पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्लियरली ये बोलता है। तो यहाँ पर बताया गया कि रिसेंटली कई सारी चीज़ें हुई है और एक बॉडी के बारे में डिस्कशन किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स, इसकी जो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो बेसिकली बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए था, कि बच्चों के वेलबींग को जो हम प्रोटेक्ट करें, खासकर उनकी नीड एंड केयर को प्रोटेक्ट करें। और इन सब के अलावा कई सारे इन्होंने अभी एलिगेशंस इन पर एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि इनके इनमें पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करने को लेकर। इनके अलावा रिसेंटली इनका एक कंसर्न है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहे वो अब्यूज हो, एक्सप्लोइशन हो या नेगलेक्ट, इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। इनके अलावा कई सारे एलिगेशन हैं इनके ऊपर, जैसे एक NGO है यहाँ पर गांधी जयंती के ऊपर इन्होंने एक NGO के बारे में डिस्कशन किया कि ये कहीं ना कहीं हरेसमेंट का भी एक तरीका बन गया, एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को किसी ग्रुप को जो टारगेट कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए गए हैं इसका मेरा पर्सनली कोई ओपिनियन नहीं इसमें नहीं रहेगा, कि क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं हो या उसमें कोई रिपोर्ट ना हो तो उस तरह के ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें दोनों पक्ष देखिए, अगर वो सही है तो आप उसको फॉलो करिए, लेकिन उसमें लिबरल रहिए, ऐसे बिल्कुल टफ नहीं हो जाना है। इनके अलावा कंसर्न क्या है, देखिए पैंडेमिक में कई सारी चीज़ें हुई हैं बच्चे जो फेस कर रहे हैं, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड मैरिज है और मेंटल इलनेस है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट कितने जो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ये अपने राइट जो है प्रॉपरली जो है या इनका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं खासकर बच्चों के खिलाफ, और क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है बंद हैं तो उनके खिलाफ इंक्रीज ही हुए हैं इस तरह की चीज़ें। तो उन सब के बारे में बताया गया कि ये जो कमीशन है ये कहीं ना कहीं जो अपने फंक्शन होते हैं उनको प्रॉपर न करके कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। एज मैम ने बताया था कि UPSC प्री जो 2020 का हुआ उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, देखिए पेपर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेपर जो है ट्रेडिशनल नहीं है और UPSC कभी भी ट्रेडिशनल पेपर नहीं देता, वो डिफरेंट और चेंज करता रहता है। तो पहली चीज़ ये कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, फॉर एग्जांपल FDI के बारे में हमने पढ़ा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आपको उनकी डिटेल भी पता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, डिटेल आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसी यूनिट है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निकल टर्म्स है उसके अंदर। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हुए और खासकर जो बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स के जो क्वेश्चन हुए उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल से आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनके अलावा पॉलिटिक्स के क्वेश्चन ईजी थे, हिस्ट्री के 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप टफ आपको फील होंगे,
और उनमें क्योंकि हम वो नेचुरल क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ओवरऑल यही है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल से फंडा है। और एक चीज़ अंत में बोल के जाऊँगा कि टेस्ट सीरीज़ के भरोसे मत बैठिए, क्या पता टेस्ट सीरीज़ वाले आपके भरोसे बैठे हो। तो उस चीज़ के साथ मैं ख़त्म करूँगा, और प्लीज़ बहुत अच्छे से मेहनत करिए। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए इस पेपर को देखकर, आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सही अप्रोच इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए। पेपर बहुत अच्छा सेट किया गया, टफ सेट किया गया, और टफ सेट करने के पीछे शायद लॉजिक ये हो सकता है कि शार्प माइंडेड बच्चे जो हैं मेंस के अंदर जाएँ। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है पर्सनल, आप उसे सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन है। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद।